वाह वाह वाह, हारे तो हैं लेकिन लड़ के हारे हैं, फाइट करके हारे हैं, वन साइडेड नहीं हारे। 288 के चेस में 25 रन से हारे हैं, 25 रन से। तो बड़ा नजदीकी मामला हुआ ये, बहुत ही शानदार और जानदार। और अपना जो हाईएस्ट इनका टोटल पुराना 263 था, उससे बस 1 रन पीछे रुक गए हैं 262 पे जाके। डीके, वाह मजा आ गया भाई। डीके ने जिस तरह ये फाइट लड़ी है, जिस तरह चौके और छक्के, 7 छक्के मारे हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो ट्रेविस हेड की इनिंग को मैच कर रहा, तो वो तो ऑलमोस्ट मैच कर रहा था ट्रेविस हेड की इनिंग को। लेकिन और भी अच्छी इनिंग्स आई थी हैदराबाद की जानिब से। एंड पे जो समित ने खेला था वो बड़ा लाजवाब खेला था, तो वो फिर नहीं मैच हो पाया। 10 गेंदों पे 37, मतलब ऑलमोस्ट 400 का स्ट्राइक रेट भाई। तो ये वाली जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन थी वो बड़ी मैसिव थी। इवन क्लासन फाफ डिप्लोसिस अच्छा गया, विराट कोहली का भी 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था, लेकिन 200 के ऊपर पे भी बात नहीं बनती थी। 225, 230, 235, 40, इस तरह के स्ट्राइकर से जाके फिर कोई बात बननी थी, फिर कोई मजा आना था। लेकिन हैट्स ऑफ टू डीके भाई, उसने ये लड़ाई लड़ी। और बीच में एक स्टेज पे तो ऐसा लग रहा था अकेला वो ही लड़ाई लड़ रहा। ये तो एंड पे 2-4 चौके आ गए इसके, वरना उतनी गेंदों पे उतने ही अनुज रावत साहब भी खेल रहे थे। वरना 8 गेंदों पे, अगर ये भी शुरू किया 8 गेंदों पे, कोई लगा देता है 1-2 छक्के, तो यू नेवर नो, और भी काम नजदीक आ जाता। तो पसीने छूटने वाली पोजीशन पे तो आप शायद कहेंगे नहीं, लेकिन कंसर्निंग वाली पोजीशन पे जरूर ये पहुंच गए हैं, और पहुंच गए हैं इज्जत के साथ हारे हैं, बेइज्जती वाली हार नहीं है। बॉलिंग बॉलिंग ही इनको हमेशा लेट डाउन करेगी। ये ठीक है जी, आज पिच बहुत अच्छा था, बहुत ऐसा था वैसा था, तो एट पार टोटल आप 200 की बजाय 230 कर लो, 240 कर लो, तो आपकी टीम भी तो पहुंच गई है 265 पे। लेकिन आपने माशाल्लाह एट पार के ऊपर जो आप 50 देते हैं वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है, वो डिफरेंस फिर नहीं पकड़ा जाता। वो जो आपकी बॉलिंग करवाती है रन्स, वो पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो बैटिंग ने अच्छा काम किया है, बैटिंग ने। बाकी एक दो अनफॉर्चुनेट भी, विल जैक का जैसे आउट हुआ, या वो भी गंदा सा गेंद था जिसपे फाफ डेप्लूसिस आउट हो गया, चौका छक्का मारा, ही वॉज लुकिंग सेट फॉर द बिग स्कोर। बड़ी अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच थी, तो कुछ बड़े सॉफ्ट डिसमिसल भी हुए। विराट कोहली ही वाज डन बाय द गूगली, नहीं जज कर पाया गूगली को। तो डीके वाज द मेन गाय, फिर फाफ और कोहली वगैरह भी ठीक खेल गए, लेकिन उसने लड़ाई सही लड़ी है। तो मोहसिन साहब, हारे तो हैं लेकिन लड़के हारे हैं, और बिल्कुल काउंटर पंचेस भी मारे हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ऐसे करके रखा है और मुक्के ही खाते रहे हैं, काउंटर मुक्के भी मारे हैं। तो लाजवाब मैच, बहुत बड़ा टोटल था और 25 रन से चूक गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। डीके, व्हाट अ मैच प्लेयर, व्हाट अ टीम प्लेयर, व्हाट अ चैंपियन। साल के 10 महीने कमेंट्री करता है, 2 महीने आईपीएल खेलता है, 10 महीने कमेंट्री करता है, ये डोमेस्टिक वोमेस्टिक तो नहीं खेलता ना, दो सही बात महीने क्रिकेट खेलता है और उस 2 महीने को यादगार कर देता है। आज देखिए 23-23 बॉलों की 50 है, फैफ की भी और डीके की भी, कोहली भी। आपने जैसे बताया भाई, ये 300 का स्ट्राइक रेट चाहिए था, यहाँ 200 वाला स्ट्राइक रेट चाहिए ही नहीं था ना। 288 रन्स मीन 12 शॉर्ट ऑफ 300। 300 का मतलब है 20-30-60, यानी आपको 300 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना है राइट फ्रॉम द वर्ड इनको। नहीं, 300 तो नहीं, लेकिन 235-40 का होता तो काम बन जाना था। 120 गेंदे है ना, तो 120 120, 240। चलो भाई जान, 235 का चाहिए था, 250 का चाहिए था, एक मिसाल दे रहा हूं आपको। हाँ आप देखें विराट, अगर आज भी कोई कुत्ता भौंक रहा है उस पे, फिर कोई हालत नहीं है। फैफ इतना गंदे बाद चौका मारा, छक्का मारा, ये कौन सी बॉल थी जिसपे आउट चले छोड़े। विल जैक्स को अभी तक ये नहीं पता बेसिक रनिंग क्या होती है। भाई देखे ना,
वो हाथ लग गया चले उनखंड का, वो इतना खुश हो रहा है दो ओवरों में जितने उसने रन दिए है, जितनी उसकी फैटस चढ़ी है। एनीवेज चलो रिलैक्स किया, वो पाटीदार को देखे एक इनिंग खेलेंगे फ्लैट। वो सौरभ इतनी बड़ी रेपो, इतना बड़ा चैंपियन बार बिठाया हुआ है, पहली बॉल पे चैंपियन की जो है ना इन्होंने पैंपियन किया और के चल निकल बाहर। सिर्फ आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ डीके ने देखे 79 का पावर प्ले। आई टोल्ड यू आई विल टेक इट, क्योंकि आपने 76 का पावर प्ले किया था। यस आपके 286-87 है, लेकिन भाईजान टुकड़ों में आगे बढ़ना था ना। अनफॉर्चुनेटली अगले ओवर पहली बॉल पे सिंगल आया और मारखंडे की गूगली को रीड नहीं कर सके विराट कोहली साहब। अब इतना बड़ा वो बोल्ड हो गए उस बॉल पे जो छक्के वाली बॉल थी। पाटीदार साहब ने भी सहमति की, विल जैक साहब जो है वो चले हाथ से लग के अनफॉर्चुनेटली रन आउट। फैफ साहब बेकार, सौरभ साहब बेकार, अनुज रावत 8 बॉल है 9 रन है, बाद में 4 चौके मार लिए इसको आखिरी ओवर में, भुवनेश्वर के फिगर्स की मां बहन कर दी। नटराजन को सही फैंटस लगाया, कमिंस को भी आखिरी ओवर में ठीक ही रगड़ा, हालांकि वो 3 विकेटें ले गया। अपना वो मरखांडे की भी इन्होंने अच्छी चटनी बनाई। रिजवान आदर देखें, आई डोंट माइंड लूजिंग दिस टाइप ऑफ अ मैच, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब आप बॉलिंग कर रहे हैं आपके हाथ में छाले निकले हुए हैं, आपके हाथों में फोड़े निकले हुए हैं, इतनी बुरी तरह मारो, क्या विजय कुमार तो क्या जनाब, एक स्पिनर विल जैक वॉज बेटर, रेस्ट ऑफ द पैक देवर हैमर्ड, देवर थ्रैश, देवर बैम्बूजल, देवर स्लैप्ड, जैसे चिपेड़े नहीं मारते किसी छोटे बच्चे को, इतनी मार। हालांकि देखे आपको मैंने कहा था अगर आपकी इतनी तगड़ी बॉलिंग है थोड़ा सा हौसला करें, 262 रन जिसके बाद नटराजन हो, जिसके पास रिजवान हैदर साहब, पैट कमिंस हो, आपने मरखांडे को भी लिया है, आपने ऊपर से अभिषेक शर्मा से भी करवाया, आपके पास भुवनेश्वर कुमार जैसा बॉलर भी है। 262 रन किया कितने प्लेयर्स ने, 3 प्लेयर ने, 262 3 प्लेयरों ने किया ना, 60-odd रन फैफ के, 80-odd रन डीके के, 40-odd रन जो है वो वीके के, बाकी किसके स्कोर है, 3 प्लेयर ने, 3 प्लेयर ने 7 में से जो आउट हुए हैं वो 262 तक ले गए। अगर बैटिंग तो देखे मैक्सवेल 11 करोड़, फलाना 14.5 करोड़, एक 15.5 करोड़, एक 11.5 करोड़, एक 7 करोड़, तो क्या फायदा ऐसे करोड़ों का जब आप कोड़ियों के भी परफॉर्मेंस ना दें। मैं कहता हूं इन तीनों के लिए मेरी तालियां। ये जो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे आरसीबी, ये कड़प्पू चुड़प्पू, ये पता नहीं कौन से, ओ भाई मेरे बात ये है कि अगर एनालिसिस हरिक को आए, ये सिर्फ जमीर का सौदा है कि आप बकवास करते जाए। और आज का जो मैच हुआ इट्स अ परफेक्टली वेल कॉन्टेस्टेड मैच बाय वन साइड अ फुल टीम, सेकंड साइड जीरो बॉलिंग अटैक, ओनली 3 बैट्समैन परफॉर्म एंड द मार्जिन ऑफ डिफीट इज ओनली 25 रन्स। रिजवान साहब द मार्जिन ऑफ डिफीट इज ओनली 25 रन्स। अगर आप सोचें कि ये टेबल पे ही ना हार जाए, ये टेबल पे हार जाता है आरसीबी जब ये उसमें जाता है ना, जब वो होता है ऑप्शन होता है, ये वही आ जाता है। I am very pleased by the performance of 3 batters of RCB. इन्होंने जिस तरह कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, अपना उनादकर और नटराजन और कमिंस तो ठीक रहा यार, कमिंस ने तो 40-43 दिया, 3 आउट किए। अरे मारा तो है ना, मारा तो है ना, नहीं नहीं उसको तो भाई उसने 3 आउट किए 40 रन देके, उसको कहां मारा आखिरी ओवर में, उसको रगड़ दिया डीके ने भाई जान। आखिरी नहीं ना होता, सारे 4 ओवर होते हैं ना, 4 के 4 ओवर है ना, बात किया 3 में स्कोर में 40-43 तो कमिंस तो दूसरा दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे दिए आपने जिसको, उसको वर्ल्ड क्लास बॉलर एक तरफ, भुवनेश्वर कुमार को ये कहते हैं इंडिया खिलाए, उन्हें खेल को ये कहते हैं इंडिया खिलाए, भुवनेश्वर कुमार ने 60 मैं बोल रहा हूं, ये कह रहे हैं इंडिया खिलाए, तो सिराज ने, सिराज ने तो भुवनेश्वर को क्या कर दिया, दो बॉलर्स ने, भुवनेश्वर ने और नटखट ने, टॉप क्लास रन दिए 6 ओवरों में, 6 ओवरों में 97।
नहीं कमल बाकियों को तो आप बोले, लेकिन कमल ने तो भाई उसने तो मैच देखे एक वो वर्ल्ड क्लास आगे नहीं है, 48 रन देके 3 आउट किए हैं उसने तो मैच बचाया। उस तीन में जनाब नया बच्चा सौरभ, उस तीन में सौरभ फैफ की थर्ड क्लास शॉट, तीन में एक फैफ की विकेट बड़ी है, बाकी कौन सी बड़ी विकेट है? तो फिर कहते हैं निकाल दें दो, तीन में से दो निकाल दें, कहते कहते नहीं है 262 को दूसरी दफा मुंबई इंडियन ने 250 कुछ रन किए, इन्होंने 262 कर दिया। पैट कमिंस वाज अमेजिंग टुडे एज अ कैप्टन। स्कोर बोर्ड पर 270 नजर आए मुंबई जैसी बैटिंग, वो भी जो है 250 52 कर सकी। आरसीबी के सिर्फ 3 बैट्समैन चले और इन्होंने 262 ठोक दिया इनको। बॉलिंग का मसला आरसीबी का जी बहुत पुराना है और बॉलिंग इनको लेट डाउन करती है टाइम एंड अगेन अगेन एंड अगेन इवन टुडे। ठीक है 230-40 एट पार टोटल यहां तक, लेकिन इन्होंने जो के माशाल्लाह इतनी मार खाई कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, आईपीएल का रिकॉर्ड दोबारा बढ़ गया, 270 से अभी 287 पे पहुंच के। तो इतनी मार खाने के बाद आप बैटिंग को वो चैलेंज दे रहे हैं कि जो शायद के आज तक नहीं हुआ, वो काम करके दें। आज तक 287 नहीं हुआ, हमने करवाया आज, अब आप जाने अगर मैच जीतना है तो उसके पार चले जाओ। बैटिंग को ये चैलेंज दे देते हैं, बॉलिंग थर्ड क्लास हो रही है, एट पार 230-240 पे रियलिस्टिक चांस रहता, लेकिन चूंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज होना था जो कि नहीं हुआ आज तक कभी भी, तो फिर जाहिर है चांस कम थे। बहुत अच्छा खेले, बीच में चेज भी किया, लेकिन ऑलवेज ऑलवेज एक लुक्ड लाइक कि नहीं पीछे है भाई, आरसीबी पीछे है, गेम में पीछे है और थ्रू आउट द चेज पीछे ही रहे। इसके बावजूद कि विराट कोहली ने 20 पे 42 किया, 28 पे 62 फैफ डेप्लूसिस ने किया और एंड पे 35 गेंदों पे 83 बहुत ही लाजवाब और शानदार इनिंग्स खेलनी, 237 का स्ट्राइक रेट है, तो ये ऑलमोस्ट ट्रेविस हेड वाले स्ट्राइक रेट को मैच कर रहा था, उसका 250 का खैर स्ट्राइक रेट है तो ऑलमोस्ट उसको मैच कर रहा था डीके। लेकिन इस सब के बावजूद हकीकत ये है कि पीछे ही था गेम में आरसीबी हमेशा हमेशा, जब भी देखो वजह, क्योंकि आपने एट पार टोटल से 40-50 रन ऊपर ज्यादा दिए हुए, अगर आप 135-40 तक रखते तो देर वॉज अ रियलिस्टिक चांस। तो बैट्समैन की कोई गलती नहीं है, उन्होंने भरपूर फाइट की है और अपनी आरसीबी की जो एक थोड़ी इज्जत बचाने वाला काम किया, बाकी बॉलर्स इनको ले डूबे। डेनियल मैथ्यू गुड हिटिंग बाय अनूज एट द एंड, एल्स आई वाज थिंकिंग दे वुड शुड हैव सेंट एंडी फ्लावर अहेड ऑफ हिम। भाई क्या बस 8 गेंदों पे 9 करके, 9 पे 8 करके, तो वहां पे चाहिए था चौके छक्के मारे, लेकिन खैर। दिनेश कार्तिक एंड फाफ डिप्लोसिस प्लेड रियली वेल एंड वीके ट्राइड टू बट टारगेट वाज टू मच, स्टिल डेड गुड। अनूज रावत एंड अनूज रावत ने यार क्या हरा दिया, अब और बड़े मसाइल हैं आपके। उन 8 बालों पे 20-22 आना चाहिए था, जिन 8 बालों पे 9 आया। और पैट कमिंस बॉलिंग मेड द डिफरेंस अगेन इन मुंबई इंडियन मैच में भी उसी डिफरेंस के, नहीं भाई वो तो अपने पैसों के साथ इंसाफ कर सकते हैं भाई, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो भाई साहब अपने पैसों के साथ इंसाफ कर रहा है, जो उसको पैसे आपने दिए हैं उसका एक्सपीरियंस भी है ऑस्ट्रेलिया का, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जिताया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जिताया और वर्ल्ड टी20 भी जिताया। 2021 का कमिंस था, कप्तान नहीं था, प्लेयर तो था ना, प्लेयर था एज अ कैप्टन फिंच था, लेकिन ये जाहिर एज अ प्लेयर तो था। तो ही इज गुड, ही इज अमेजिंग, ही एब्सोल्युटली मेड द डिफरेंस 4 ओवरों में, मतलब वो अभिषेक का चलो 1 ओवर में 10 है, इकोनॉमी के हिसाब से सबसे कम रन दिए हैं इसने, उसने ओवर एक कराया ना, शायद 4 ओवर कराता तो फिर बात बनती, फिर कंपैरिजन होता, तो 4 ओवरों में 43, इकोनॉमी भी इसकी जिन्होंने एक से ज्यादा ओवर करवाए हैं सबसे कम इकोनॉमी भी है और विकेटें भी सबसे ज्यादा ही है, तो प्रॉपर उसने परफॉर्मेंस दिखाई है और अपनी टीम को लीड किया है, लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। जाहिर है दोनों ऑस्ट्रेलियन एक बैटिंग में पड़ गया और एक बॉलिंग में पड़ गया, तो बस कहानी खत्म।
नीरज त्रिवाठिया जी ने कुछ मैसेज नहीं लिखा जी। अच्छा जी, क्या बकवास पिच है, ऐसे तो कोई बॉलर नहीं बनेगा जी। कभी कभार बीच में ऐसी पिच मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर मैच में इतने इतने बन रहे हैं। कोई हर टीम का एक एक सीजन में एक एक मैच इस तरह की पिच पे रख देना चाहिए, हर टीम का एक एक मैच। अब ये हैदराबाद दे आर लकी, दे गॉट टू अपॉर्चुनिटीज और दोनों भी कैच कराया उन्होंने। पहले 270 बनाया, अभी 287 बना दिया। तो एक एक मैच हर टीम को मिलना चाहिए इस तरह की पिच पे। सिराज शुड थैंक आरसीबी फॉर नॉट सिलेक्टिंग हिम टुडे। हाँ सही बात है भाई, मैक्सवेल को भी, मैक्सवेल को भी थैंक्स करना चाहिए। तो अब उसको खिलाए नहीं मैक्सवेल को, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में वी ऑलवेज होप कि शायद वो कुछ करे, क्योंकि उसमें सलाहियत तो है कि 40 गेंदों पे 100 करने की, इंटरनेशनल में भी किया हुआ है। तो अब सिराज पता नहीं खुश ही होगा बीच में के नहीं खेला, वरना इधर हो जाता है हिसाब किताब जो हुआ सबका। तो वो पहले ही दे रहा है इतने रन, तो आज तो फिर भुवनेश्वर कुमार की सफ में कहीं खड़ा होता वो भाई। टॉप प्लेयर अगर इतने दे रहा है तो सिराज तो फिर कितने देता। Islam, looks like RCB don't feed their bowlers airs, that's why they come and eat, run like anything. Love you guys from USA. Hope to meet you guys at World Cup. Inshallah, World Cup पे हमें भी पूरा यकीन है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होने की तवक्को है। इंशाल्लाह जी। Hello, sir and Mohsin Uncle, how are you? We are good, जी. Thank you, sir. I'm a big fan of Virat today. मैं फास्ट रखिया सी फॉर आरसीबी। नहीं यार, एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, हार जीत लगी रहती है। तो थोड़ा फास्ट खेडे ने, नहीं तो ना स्कोर ज्यादा तू हारना सी ते तुहाडा फास्ट कबूल होया। अनि चलो फिर भी मतलब ठीक ही काम खिच के रखया है, मतलब मैनू लग रहा सी कि कोई 70-80 रन च ना हार जान। हां लो, हां ते सो गया, नहीं तो इस टाइम बेचारे को सदमा पिया होता कि कितने मैच ही नहीं निकल जावे। चलो तुसी फास्ट रखिया तो गल सही है, फास्ट रखिया तो फास्ट खेडे ने 75 रन बच गए। कोई नहीं कोई नहीं, कोहली शुड प्ले लाइक टुडे रादर देन 60 बॉल 100, दे विल विन मोर गेम्स। अमन वे बीच में देखे, ये बात मैंने तो कही थी कि थोड़ा सा तेज खेले, ऊपर से 60 बॉल 100 में भी कोई मसला नहीं, लेकिन उस दिन चलो 67 पे आ गया था, बाकियों की तरफ से सपोर्ट नहीं आई थी। 58-60 बॉल पे 100 होता है और सही है। आज का आप पिच की बात करें ना, उसका अगर 39 गेंदों पे 100 आया है तो अगली टीम भी ऑलमोस्ट उधर पहुंच गई है, 25 रन से आ रही है। तो पिच का बड़ा फर्क होता है, 35 बॉलों में आउट होके भी है। डीके ने भी तो 83-35 बॉल्स में बना दिया ना आउट होके। पिच की बात होती है कि आप पिच, आप अगर पिच है जनाब टोटल 160-170 वाली, तो 160 गेंदों पे 100 का आप बुरा है। जब पिच ही टोटल 160-170 वाली है तो 60 गेंदों पे 100 तो बहुत अच्छा है। हाँ अगर पिच आज जैसी है तो फिर 60 गेंदों पे 100 बुरा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पिच कि भाई वहां पे कितनी गेंदों पे 100 ठीक है। वैसे कोहली को ऊपर से कोशिश करे तेज ही खेलने की। बाकी उस दिन भी मैंने कहा था कि T20 में बहुत ही कम होता है कि सारी विकेटें गिर जाएं। आज तो ये इंपैक्ट प्लेयर भी है तो टेक्निकली 8-8, 9-9 बैट्समैन डाले हुए हैं, 120 गेंदे हैं टोटल। तो आप तेज खेलें, पूरे कितने को आउट हो जाएंगे मुझे तो याद नहीं पड़ता। रिजवान अहमद साहब की तरह से बैट्समैन है वो, तो दूसरों के लिए खेलता है। नहीं नहीं, हर टीम में होते हैं ना, या 7वें-8वें नंबर तक बैटिंग तो होती है ना। But do you sir, Mohsin bhai, disagree with you? Batting paradise per Cummings average gave 43 hai, which is great. Are you expecting 20 pe 20 5 out kare? IPL is about batting skills. Mr. Sahar. I didn't say Mr. Kya naam hai aapka? Sahir sahab ya Sahir sahab ya jo bhi naam hai. I said ke unki 3 wicketon mein ek lamrol apne balle se, एक जो है वो पहला मैच खेल रहे थे सौरभ साहब, और एक फैव जो है जो आउट हुए कमिंग से। देखिए जहां बात आपकी टेक्निकली ठीक है, जहां पे 262 रन बने
वहां 43 रन जो है वो कुछ भी नहीं है, ये बात सही है। तीन विकेट जी चले जी, टेल की भी है तो तीन एकॉर्ड जी, उस दिन एक ओवर में तीन चार आउट कर गया, टेल ही के थे, कोई बात नहीं। मेरा कहने का मकसद ये नहीं था, आपके जज्बात मजरूह हो गए हैं ऑस्ट्रेलियन कमिंस को देख के, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा कहने का मकसद ये था मेरे भाई के, ये बच गया, ये स्कोर जो है ना इसको, कमिंस को, मेरा ख्याल है ये खाता है। एनीवेज आज की बॉलिंग पे अगर आप कहें तो ही वाज राइट, ओके एग्रीड। हाँ तो वो तो ज़्यादा अच्छा ही कर रहा है। सुनील बॉल कहें ना, इफ डीके स्टेड डू यू थिंक, नहीं भाई उधर बहुत सेट हो गया था, और दो ओवरों में मतलब 60 रन, 18 से हार जाते, 15 से हार जाते, 12 से हार जाते, हार जाते, दो ओवरों में 60 कहाँ बनता यार। जहां पे वो फैन था वहां पे चांस था, पतिदार था चांस था, उसके बाद ये माजरत ही थी, उसके बाद नहीं कहीं चांस नजर आया, उसके बाद सिर्फ कैचअप गेम था, कितने रन से हारेंगे बस। नहीं नहीं फिर तो कहानी खत्म थी, दो कितने रन से हारेंगे। और डीके ने बहुत रिस्पेक्टेबिलिटी दे दी इस टोटल को, वरना ये 200 सवा 200 से ऊपर ना जाते, और 200 सवा 200 बड़ी मैसिव लॉस होती है। रिजवान साहब इस वक्त इनके रन रेट को इतना धक्का नहीं लगा जितना अगर ये 70-80 रन से हारते तो लगता। तो डीके स्टेड एंड तक डीके रहता तो तब भी ये मैच हारते थे। हाँ जाते 10-12 रन से हार जाते, और विकेटें भी इनकी गिरती रही, पावर प्ले अच्छा निकल गया इनका, उसके साथ ही कोहली गया, उसके बाद एक के बाद एक, फिर फाफ डेप्लूसीज और विल जैक्स जिस तरह आउट हुआ, तो ऐसी फीलिंग के भाई ये चेस हो जाएगा इसके बावजूद कि 6 ओवरों में 70-80 नहीं, नहीं आई, नहीं आई वो फीलिंग, नहीं आई कि ये चेस हो जाएगा आउट द इनिंग्स। इसीलिए मैंने पीछे पहले ही लिख दिया था, अगर मुझे आरसीबी भी होती मैं ना लिखता। ये बात सच है कि 6 ओवरों में ऊपर बड़ा अच्छा मतलब 80 खेले, बाद में जैसी विकेटें, जैसी मतलब थोड़ी सी फीलिंग आने लगी थी कि अच्छा जा रहे हैं, 7 विकेटें गिर जाती थी या 7-22 रिजवान साहब दे वर वेरी फार अवे, बहुत बहुत पीछे काम रह गया था। तो चेज में ऐसा नहीं लगा मुख्तलिफ स्टेजेस पे कि जी अब तो एसआरएच का काम हो गया, ये वाली फीलिंग नहीं आई, इसके बावजूद कि दे लॉस्ट बाय। हां क्या कह रहे हैं, मुंबई इंडियन वाली फीलिंग नहीं आई जिस तरह वो लगता है चेज करते हैं। मुंबई इंडियन देवर क्रूजिंग 10 ओवरों में 150, देवर क्रूजिंग इन चेज ऑफ 278 जो उन्होंने खाया था, और ये उस मैच में कई बार फीलिंग आई के भाई ये तो चेज भी होता हुआ नजर आ रहा है, हाँ ये तो हो रहा है भाई चेज भी, मजा आ रहा है। वो तो खैर एंड पे 20-24 किया जनाब पांड्या साहब ने, तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे वो वाली एग्जैक्ट फीलिंग नहीं आई कि हाँ जी हो जाएगा, एक तो रन भी 10 ऊपर थे और उस रैपिड स्पीड से नहीं गया रन रेट भी जिस तरह जाना चाहिए था, खास करके आफ्टर पावर प्ले 6 ओवरों में 80, अगले 4-5 ओवरों में इनको चाहिए था कि ये 140-150 तक जाते, लेकिन वो खैर बीच में ब्रेके लगते विकटें गिरती हैं तो रन रेट भी नीचे आ जाता, सिंपल सी बात है, तो वो फीलिंग नहीं आई। बट डीके ने दिल जीत लिए भाई, एक बिल्कुल मैच तो फारिग था, खत्म हो गया था मैच, तो अब 122 पे 5 आउट हो गए तो मैच तो खत्म, कहानी तो खत्म हो गई। और अभी मतलब 10 ओवरों में बहुत ज्यादा 150 से ऊपर रन रहते थे, डीके ने आके जिस तरह की इनिंग खेली है उसने अपनी भी वाह वाह बल्ले बल्ले करवाई है, अपना जो होम क्राउड था जरा उनको भी थोड़ा सा सुख और चैन दिया, वो भी जरा थोड़े से झूम लिए, और नेट रन रेट पे भी इतना फर्क नहीं पड़ा, हारे हैं लेकिन बेइज्जती जो बहुत ज्यादा हो सकती थी अगर ये बहुत गंदा सा हार जाते तो लोग कह रहे हैं जी ठीक है हारे हैं, बट दे वेंट डाउन फाइटिंग, सो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ऑल मैटर्स, क्या आप वन साइडेड ना हारे, गंदा वाला ना हारे, अब मुकाबला करके आ रहे तो रन वो ही बार बार एक ही पॉइंट आरसीबी का, इनका जो भी बंदा अगर कोई जिसको क्रिकेट की समझ एनालाइज करे तो वन पॉइंट एजेंडा है, देयर बॉलिंग इज पथेटिक, देयर बॉलिंग इज लेटिंग देम डाउन सीजन आफ्टर सीजन, मैच आफ्टर मैच और टूर्नामेंट आफ्टर टूर्नामेंट, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग
क्या हम इसको बेहतर कर लें, कोई अच्छा कर लें, कोई तगड़ा कर लें हम अपनी जनाब बॉलिंग को। तो आज भी ठीक है, बहुत ही बैटिंग पिच है भाई, तो 200 की बजाय तुम 230 40 वाली पिच है तो उसके बीच में रोक लो, 250 से तो नीचे रोक लो, जाके ब्रेकें लगी है 287 पे, तो टेक्निकली तो मैच उधर ही फारग हो गया ना भाई। रियलिस्टिक चांस 250 के नीचे नीचे आसपास कुछ, तो बॉलिंग मरवा रही है इनको बार बार। अच्छा जी, अगर डीके एंड एंड तक होता तो क्या 10-15 रन से यार, हाँ भाई इतने से हार जाते यार। आरसीबी वाले भी कमाल हैं, इनिंग्स ब्रेक में कैलकुलेटर यूज करवा दिया रिक्वायर्ड रन रेट कैलकुलेट करने के लिए एमी साहब, तो बस ये अब आरसीबी वाले तो कमाल ही हैं पे। ये पाकिस्तान वाली टीम भी करवाती है हमसे कैलकुलेटर का इस्तेमाल थ्रू आउट किसी भी वर्ल्ड कप में, चाहे वो T20 वाला हो या 50 ओवर वाला हो, तो आरसीबी वाले और ये मिलते जुलती फीलिंग है मोहसिन साहब। न्यूजीलैंड वाला मैच भूल गए वर्ल्ड कप 2023। हाँ तो ये कैलकुलेटर की तो हमें भी बड़ी आदत है, दुआ थी और कैलकुलेटर। उस दिन हमारा कुहाड़ा चल गया ना, कुहाड़े ने उस दिन जनाब रगड़ के रख दिया न्यूजीलैंड को। हाँ जी, तो एमी साहब चले अच्छी बात है कि आपने कैलकुलेटर निकाला, लेकिन काम नहीं आया, ये एक अलग बात है, और काम आपकी बॉलिंग की वजह से नहीं आया, बॉलिंग आपकी आपको बहुत ही लेट डाउन करती है, आरसीबी की बेड़ा गर करवा देती है। बहुत अच्छा मुकाबला, थोड़ी सी अपनी बॉलिंग अच्छी कर लेना तो ये दे हैव द कैपेबिलिटी टू रीच इन टू द प्ले ऑफ, बॉलिंग अच्छी करें तो। बॉलिंग अच्छी नहीं है, बैटिंग कितनी भी तगड़ी कर दें, आप उनकी बैटिंग को ऑलमोस्ट इन्होंने मैच कर लिया, लेकिन उनकी बॉलिंग अच्छी थी तो वो जो डिफरेंस रह गया वो बॉलिंग की वजह से रह गया, बैटिंग को तो मैच कर लिया। देखे ना रिजवान साहब, हेड एक, क्लासन दो, अभिषेक तीन, मकरम चार, वो क्या नाम है उसका ये समन पांच, उनके पांच बैट्समैनों ने स्कोर किया, इनके तीन बैट्समैनों ने स्कोर किया। ऐसे ही है भाई, डीके हैज हिट द बिगेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन क्लीन हिट, दीपंकर शर्मा साहब, दीपक शर्मा साहब कह रहे हैं जी, 7 छक्के मारे हैं उसने, बहुत ही शानदार, 102 या 106 वाला मारा हेड ने तो इसने भी फिर मारा, और टिका के छक्के मारे इसने भी, मजा आया, सही छक्के, क्या कमिंस तो क्या नटराजन तो क्या भुवनेश्वर तो क्या मैं तो क्या तू, किसी का नहीं छोड़ा, तू 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 तारा चलती है क्या 9 से 12, उसने कहा भाई ना आज माफ कर दे कल आ जाऊंगी, ऐसे ही है भाई, भाई फटी लगाई आज, बड़ा मजा आया। देखिए रिजवान साहब 287 और 262, 287 और 262 यानी 290 290 और 490, 490 में से एक काम कर, 490 ना जी, क्या कह रहा हूं मैं, ये 500 और कितने रन बन गए, 500 के पार ही गया, 108 मीटर का छक्का मारा है जी, जो बिल्कुल छत पे लग के वापस, बल्कि इसने ग्लासन ने तो इसने मार दिया 108, वाह जी वाह, 108 मीटर का छक्का मारा है, बहुत लंबा जी। मीर साहर क्या कह रहे हैं भाई, पढ़े आप ही पढ़े, 549 बने, आप माजरत मत कहना, आप मुझे से बड़े हैं, इफ आई एम रॉन्ग यू गॉट द राइट टू करेक्ट मी, मच रिस्पेक्ट एंड लव बोथ ऑफ यू, नहीं थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, नो 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 नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैंने तो आपकी बात को इंडोर्स किया कि हाँ इस कंडीशन में आप ठीक कह रहे हैं, और देखिए बड़ा या छोटा गलती तो कोई भी कर सकता है, अगर मेरे से गलती होती है मुझ में इतनी घट सोने चाहिए कि मैं कहूं नहीं यार आपकी बात ठीक है, इससे मैं कुछ छोटा थोड़ी हो जाऊंगा। सही बात है जी, ऐसा ही है। तो पॉइंट टेबल पे जी थोड़ी सी निगाह दौड़ाएं, तो पॉइंट टेबल पे SRH जाहिर है कि मैच जीती है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम की है और 8 पॉइंट हो गए हैं, चौथे नंबर पे थे, हैं वो चौथे नंबर पे ही, लेकिन नेट रन रेट इंप्रूव हुआ है उनका, और अब फासला जो है वो
सीएसके से मजीद उन्होंने अपना कम किया। सीएसके तीसरे पे है, दूसरे पे केकेआर, पहले पे राजस्थान रॉयल्स, लेकिन चौथे पे हैदराबाद पहले भी थी, अब भी है, अपनी जगह उन्होंने मजीद पक्की की। आरसीबी बिल्कुल खड्डे में बढ़ गई है, 7 में से 1 मैच जीती है, 6 हारी है, नेट रन रेट भी जाहिर है सबसे हल्का है और आज भी उसमें इजाफा हुआ है। तो बुरे हालात हैं, बुरे हालात हैं, और अब इनकी सीजन में मुश्किल, मैच तो ये जाहिर है और जीत जाएंगे, लेकिन अब आगे जो चांस है मोहसिन साहब वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। वो तो नजर आ रहा है इनका, डीसी का, इवन पंजाब भी उसी, हालांकि पंजाब की टीम अगर सैम करन कप्तानी करता रहे, यू नेवर नो, मैं आपको बता, अभी तो 6-7 दिन के लिए अवेलेबल नहीं है अपना धवन, अगर वो रहा अनअवेलेबल तो यू नेवर नो कि पंजाब इस दलदल से बाहर आ जाए, क्योंकि देखिए लखनऊ भी एवरेज सी परफॉर्मेंसेस दे रही है, और इसके अलावा गुजरात भी माजरत के साथ ही चल रही है, तो नीचे की जो 5-6 है ना, डीसी, बेंगलोरो, मुंबई, लखनऊ, अपना क्या नाम है, गुजरात, इन सारियों में रिजवान साहब एक मुंबई की टीम तगड़ी लग रही है, एक पंजाब की टीम ऐसी लग रही है कि अगर उनकी कप्तानी ठीक हो, देखिए बैटिंग बॉलिंग उन दोनों, उनके पास दोनों है, यह नहीं है कि पंजाब की बॉलिंग बिल्कुल फुदू है, माजरत है, या उनकी बैटिंग बिल्कुल, उनका 8वें नंबर पे शतोष आता भाई, मुंबई का भी यह हाल है, कल तो वो खैर ओवर कॉन्फिडेंस से मारे गए वरना जीतना चाहिए था, उनकी भी फायर पावर बहुत है, पंजाब के पास भी है, बच्चा अगर कोई फंसा हुआ तो ये सच है कि आरसीबी और दिल्ली की टीमें बुरी तरह फंसी, बुरी तरह, और आरसीबी का मेरा नहीं ख्याल है कि ये बहुत, अगर इन्होंने बाकी रिजवान जब 7 मैचों में जीत लिए तो 1-2 मैच ही जीतेंगे, आई डोंट फील कि ये 7 में से 5 जीत जाएंगे या 4 जीत जाएंगे, मुझे नहीं लगता। पैट कमिंस कह रहा है कि जी इस तरह की पिच पे तो जब आप 8-9 रन का ओवर भी देते हैं तो आप कहते हैं जी वाह बहुत अच्छा मैंने ओवर कराया और बाकी पिच की बात की है, अपनी टीम की बात की है कि जी 4 जीतें आ गई हैं हमारी और बहुत अच्छा चल रहा है, बड़े बेहतरीन मामला चल रहे हैं और एवरीथिंग वन इज हैप्पी। हेड कह रहा जी मैं तो बाद में, मुझे तो सब कर दिया, मैं तो मजे से जाके नहाया, शावर किया, बैठा, देखा बाकी क्या चल रहा है, और बहुत ही अच्छी और खूबसूरत पिच है ये, ब्यूटीफुल पिच, मजा आ गया जी यहाँ पे खेल के बैठ, जो कि प्लेयर ऑफ द मैच भी हुआ है, और कह रहा जी द पिच प्लेड ब्यूटीफुली, वी गॉट फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड्समैन एंड अ फ्यू लोकल गाय इन द मीटिंग एंड वी थॉट वी हैड टू टेक द लाइसेंस टू गो, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन लेके आए हुए थे, अगले ऐसे नहीं आए हुए थे, तो बड़ा अगर वो वर्ल्ड कप के फाइनल की पिच की इंफॉर्मेशन रखता है तो ये तो आम मैच की इंफॉर्मेशन है। तो बेशक वो कह रहे आई कॉम्प्लीमेंट ईच अदर रियली वेल और ही इज अ यंग एंड फेयरलेस, अभिषेक की भी तारीफ कर रहा है जो उसके साथ खेल रहा जोड़ी था, आई लव हिज बैटिंग विद हिम सो फार, आई नी वी आई एम नॉट श्योर हाउ गुड, एवरीवन इज ट्राइंग एवरीथिंग एंड इट्स नॉट द प्रीटीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड बट प्लीज्ड बॉल टूडे। अभिषेक की भी तारीफ की है भाई कि वो भी जिस तरह खेल रहा है मेरे साथ जोड़ीदार, तो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूं। बालों में 37 रन यू विल टेक इट। हां उस दिन तो जाहिर है कि उसने और भी 16-17 गेंदों में 50 किया था उसने। देखिए मकरम की इनिंग्स थोड़ी सी हल्की थी एज कंपेयर टू अदर्स, बाकी देखिए सब ने, समद, क्लासन, हेड, अभिषेक सब ने कूटा और दिल, जिसे कहते ना दिल खोल के कूटा है, नो वाले भी कर रहे हैं, वाइड वाले भी कर रहे हैं, वेवर्ड वाले भी कर रहे हैं, और इस तरह मार खा रहे हैं जैसे दुम्बे को ना कुर्बानी के लिए लाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, तैयार किया जाता है, और फिर तो ये काम किया आज एसआरएच ने आरसीबी के साथ। बट आई एम प्लेजेंटली हैप्पी कि दैट एट लीस्ट द बैटिंग ओनली डिस्पाइट ओनली 3 परफॉर्म्ड द मैच फायर विद फायर समहाउ 25 रन फ्रॉम 300 You will take it, यार 25 की हार को बहुत बड़ी हार नहीं है, ऐसे ही है, हार को 1 रन से भी होती है।
प्रीतम कह रही थी रिपोर्ट आ रही है कि स्पिनर जो है दैट विल बी पिक्ड इन द वर्ल्ड कप वुड बी जडेजा अक्षर एंड कुलदीप. आपके व्यूज, क्योंकि मैं तो कह के था भाई चहल बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है. अक्षर किस बिना पे? अक्षर जडेजा में से तो एक ही रख सकते हैं आप. नहीं अक्षर क्यों, चहल जडेजा और कुलदीप ये होने चाहिए आपके स्पिनर. हाँ तो आई डोंट नो कौन रिपोर्ट दे रहा है, मेरे ख्याल में रवि बिश्नोई को रखेंगे नहीं. और इस वक्त चहल रवि बिश्नोई से बहुत आगे है, बहुत आगे है, तो उसका राइट है. जब जिसका राइट होगा सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम गए नहीं 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 ये नहीं ये जाएगा. नो 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 चहल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों ही बहुत अच्छी. कुलचा बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं दोनों. कुलचा पे तो बहस ही नहीं है ना रिजवान साहब. मैंने तो देखे सीधा आपसे कहा कि जडेजा चहल और कुलदीप खत्म, टाटा बाय बाय. मौसम भाई आई एग्री. एस सी थोड़े दिन बीमार ही रहे, पैसे मिलते रहेंगे. अच्छा जी, बबलू कह रहे हैं क्या मैक्सवेल को इंपैक्ट के लिए ला, नहीं जी मैक्सवेल को नहीं ला सकते थे. पूरा खिला लिया तो मैक्सवेल कैसे आता. रूल ये है कि अगर आपने जब टीम शीट आप देते हैं, जब टॉस होता है तो कैप्टन एक्सचेंज करते हैं टीम शीट वगैरह, या टॉस के बाद जब व्हाटएवर. इंटरनेशनल में तो टॉस से पहले देते हैं, यहाँ पे पता नहीं अब क्या सुना था कोई चेंज है. तो जो अगर आपने फर्स्ट 11 में चार फॉरेन प्लेयर रखे हो तो फिर आप फॉरेन प्लेयर की जगह पे फॉरेन प्लेयर बाय से इंपैक्ट नहीं ला सकते. तीन फॉरेन प्लेयर आप डालेंगे तो फिर आप कोई चौथे वाले को, एक को बाहर भेज के चौथे वाले को ला सकते हैं बीच में. इंपैक्ट के तौर पे चौथा वाला आ सकता है फॉरेन प्लेयर, इन केस आपकी प्लेइंग 11 में तीन ही आपने डाले हुए हैं कि जी ये तीन खेलेंगे. फॉर एग्जाम्पल आज इन्होंने दो तो बॉलर डाले, एक फर्गुसन को भी आज डाला, फर्गुसन को डाला और टॉपले को डाला. अगर इन दोनों में से सिर्फ एक होता और ऊपर से जो दो हैं फाफ और वो जैक विल, वो बेशक दोनों होते, यानी इन एक तो चार कैप्टन है, चार में से तीन अगर होते तो फिर एक आ सकता था, को आज बैट्समैन ला सकते थे या टॉपले को आज बॉलर ला सकते थे. तो फिर ये किसी भी लोकल बेशक प्लेयर को बाहर भेज के तो उसको अंदर ले आते मैक्सवेल को, जी आप आ जाइए अंदर. चार होने चाहिए फॉरेन प्लेयर, पांच से आप मुस्तफीद नहीं हो सकते मैच में. आप सिंपल सा रूल आप जेन में रख लें कि आप पूरे मैच में चार फॉरेन प्लेयर ही आप उनसे ही फायदा उठाएंगे, चाहे बॉलिंग में या बैटिंग में. ऐसा नहीं है कि पांचवा इन्वॉल्व नहीं होगा. तो नहीं आता था वो, फिर भी नहीं आता था. आपको पता है क्योंकि इंडियन टीम हमेशा एट नंबर तक बैटिंग चाहिए, इसलिए अक्षर स्केपगोट हमेशा बॉलर ही होते हैं. आल्दो दो T20 वर्ल्ड कप बैटर्स ने हरवाए हैं. देखिए जी ये बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है, इसमें एक इंच भी इख्तलाफ नहीं हो सकता जो बात आपने कर दी है, एक आने का इख्तलाफ नहीं हो सकता. ये हाईली अनफॉर्चुनेट है कि आधे तीतर आधे बटेर, अगर आपके सात बैट्समैन नहीं चलेंगे, छह बैट्समैन नहीं चलेंगे तो आठवां कैसे चले. और अक्षर का तो इतना थर्ड क्लास जा रहा है, आईपीएल भी डीसी में भी वो फुस है, ना बॉलिंग ना बैटिंग, और फील्डिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं है अक्षर पटेल की. मैं समझता हूँ चहल नंबर वन होना चाहिए आपका स्पिनर, मतलब ऑब्वियसली जडेजा तो ऑलराउंडर है, स्पिनर अगर आपने रखना है तो वो नंबर वन होना चाहिए, लेगी है, और उसके साथ कुलदीप होना चाहिए, जडेजा होना चाहिए. टाटा बाय बाय. तो डीके का क्या करना है? डीके का भाईजान कमेंट्री कराएंगे, 10 महीने करता है ना, क्या हो गया? बहुत अच्छी कमेंट्री करता है. ये जो वो खातून है, वो अंजुम जो है और जो मौसूफ है, मुरली कार्तिक वार्तिक, इनसे ये 10 करोड़ दर्जे अच्छी कमेंट्री करता है डीके, और बैट से भी इसका बल्ला बोलता है यम 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 यम.
तो भाईजान उस दिन टीम इंडिया का जो कप्तान है उसने इसको बेशक बोला है कि भाई सिलेक्शन होनी है वर्ल्ड कप। रहा था कि इसने वर्ल्ड कप पे जाना है, उसने ये नहीं कहा था कि वेरी गुड शाबाश ठीक है हमारी कुटाई लगा तुझे हम लेके जाएंगे। तो वर्ल्ड कप में जाना है तो चलो वो छेड़ ही रहा था, तो ठीक है, लेकिन तो 100% देखे रोहित शर्मा डीके के ने तो बड़ा पहले जीते संजीदा ले लिया उस जाएगा। बात को। मेरी बात आज नोट कर ले सारा हिंदुस्तान, रोहित शर्मा जाए ना जाए वर्ल्ड कप पे डीके जाएगा, कोई किसी का बाप इसको अब बार नहीं कर सकता, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। मतलब डीके जाएगा 110% नंबर 1 प्लेयर जो है वो डीके है कमेंट्री में। क्या? समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर 1 जो है वो डीके है कमेंट्री मतलब एज अ विकेट कीपर बैट्समैन जाएगा क्या करेगा? में। आप शुगर के मूड में आए हुए हैं भाईजन, क्या भाई आप आपके कान में कुछ गया हुआ तो नहीं है? तीसरी दफा मैंने दोहराया क्या कमेंट्री में, आपको कमेंट्री के लिए? कमेंट्री नहीं तो अगर ऐसे चौके छक्के मार रहा है तो फिर व्हाई नॉट एज अ जा नहीं बैट्समैन, सकता, विकेट जा कीपर सकता फिर बैट्समैन, जा अगर सकता इसी तरह खेलता रहे बाकी अगर मैचेस में उन्हें भी, सीरियस नोट आरसीबी बेशक बढ़ अगर जाए ये इतना खड्डे में खेलता लेकिन रहे ये तो तो कर ही रहा है ना भाई। जा सकता है डीके और पंत, फिर संजू बंजू गए। तो अगर इस तरह के स्ट्राइकर से ओवरऑल तो ये अभी तक भाईजान 60 मैचों में देखे अठतीस इसने अच्छे खेला। में 38 वाला और 22 में 26 वाला जाए उससे अच्छा है जो 300 के स्ट्राइक रेट 250 के स्ट्राइक रेट से 83 रन कर रहा है वो जाए। और 108 मीटर का छक्का भी मार रहा है। हाँ छक्के भी ऐसे मार रहा है कि छक्के पे छक्का और छक्का छक्के पे छक्का। तो एक तो वैसे धोनी भी लाइन में, लेकिन धोनी तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा भाई जिस जान तरह के धोनी चौके आता तीन बालों के लिए, छोड़े ना, तीन छक्के। बंटी का मैच खेल रहे हैं आप। लेकिन बाकी सीरियस अगर बात की जाए तो टीम इंडिया ने 2-3 बच्चों को मौके दिए अभी, लेकिन वो अपनी जगह पक्की नहीं कर सके। जिराल जितेश ये सब फेल है। जितेश को मौका मिला लेकिन अभी वो टीम इंडिया के लिए 1-2 मैचों में अच्छा किया, लेकिन आईपीएल में अगर ठुस हो गए तो भाई मौका नहीं मिलेगा, ये बात आप लिख लें। तो उसकी लगता है छुट्टी हो जाएगी। अब पंत वापस आया, अच्छा खेल रहा है एट द मोमेंट, वहां से ईशन किशन ने कुछ अच्छी इनिंग खेली है, संजू सैमसन बहुत अच्छा खेल रहा है और डीके भी बहुत अच्छा खेल रहा है। तो अब सूरत हाल तो देखें, वैसे तो ये कह चुका है कि वो जो ऑस्ट्रेलिया में था वर्ल्ड कप वो मेरी मतलब ख्वाहिश थी कि मैं खेलूं, एक तो वो ख्वाहिश तो पूरी हो गई है वैसे डीके की, लेकिन ख्वाहिश तो वो वाली पूरी हो गई है। और लेकिन बंदा फिर भी ख्वाहिश का इजहार कर देता है बाद में भी कि चले जी अब मैं तो अच्छा खेल रहा हूं, अगर आप देख ले जाना चाहते हैं तो देख लीजिए आप, तो बहुत अच्छा खेल रहा है नो डाउट अबाउट इट। जितनी भी गेंदों के लिए आता है तो अपने पूरा 100% कमिटमेंट के साथ आके खेल के जाता है, इज गुड नो डाउट अबाउट इट, बहुत अच्छी और शानदार किस्म की बारी खेल के जा रहा है। अच्छा जी, तो फाफ डिप्लूसिस कहते हैं प्रॉपर T20 पिच, इट्स क्रेजी द अमाउंट ऑफ रन स्कोर टुडे, अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है जी, कह रहे जी ये तो मैं नहीं कहूंगा 270 एट पार था, लेकिन बहुत मुश्किल था यहाँ पे बॉलिंग करना। अच्छा जी, हमें नहीं पता था, पता लग गया हमें। वी ट्राइड अ फ्यू थिंग्स लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा, कह रहे हम कुछ नया नया करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा, और द गेम इज मूविंग सो फॉरवर्ड एंड फास्ट दीज डेज फ्रॉम द बैटर्स, इट्स हार्ड, वी केप्ट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, देयर वर फ्यू सम एरर्स वी नीड टू एड्रेस इन द बैटिंग लाइनअप, द डिप आफ्टर द पावर प्ले इज समथिंग वी वॉन्ट टू वर्क ऑन। कह रहे जी पावर प्ले के बाद जो है एकदम से रन्स रुक जाते हैं वो कंसर्न वाली बात है। ठीक है जी, बॉलिंग की बात ना करना तुम। अच्छा, बट प्राउड ऑफ द वे द बॉयज फॉट टू नाइट टिल द एंड, हाँ ये बात सही कह दी है वैसे, एंड नॉट फॉल लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स फ्रॉम द बॉलिंग पर्सपेक्टिव इट वॉज प्रॉब्ली टू मच। हाँ बिल्कुल जी, था ही टू मच, एक 250 के पास रोकते तो एट पार था यहाँ पे, हमने देखा 240 250 PSL में भी पिंडी में चेज हो गया, क्योंकि कुछ पिच होती है उस पे एट पार ही 240 250 होता है, एंड इट वाज वन ऑफ दोज पिचेस
लेकिन तुम माशाल्लाह से एट पार के जो 40 रन ऊपर देते हो, चाहे पिच जैसी भी हो, तो वो 40 ऊपर दे दिए तुमने, तो मैच हार गए। अच्छा जी, फ्रॉम द बॉलिंग पर्सपेक्टिव इट वॉज प्रॉब्ली टू मच। वन थिंग रियली इंपॉर्टेंट इज टू फ्रेशन योर माइंड। तो भाईजान आप फ्रेश करना माइंड अपना, साथ में एक मैच जीते हो, 6 हारे हो, तो एक दो और हार जाओगे तो बस फिर ऐसा फ्रेश करना, टेक योर टाइम, अगले साल चलते चलते फिर मिलेंगे। गोवा वाले बीच पे आंखें मीच के नारियल हाँ, गोवा वाले बीच पे आंखें मीच के लेट जाना, पानी तो अगले साल फिर आप माइंड फ्रेश करके आना। इट्स सच अ मेंटल गेम। जी बिल्कुल जी, मेंटल गेम है, और आपका जो मेंटल गेम में आप हमेशा ही पीछे रहते हैं। 10 टीमों में से आप टॉप करते हैं बॉटम में से बॉल इतना और बॉलिंग अच्छी करने के लिए आपका जनाब मेंटल गेम, इतनी मेंटल गेम है, तो इतनी कॉमन सेंस वाली बात नहीं पता चल रही कि बॉलिंग तगड़ी करनी है हमने। हर साल बेइज्जत होते हैं बॉलिंग की वजह से। समटाइम्स आई फील लाइक योर माइंड इज गोइंग टू एक्सप्लोड। ना भाई, इतना ना सोच, अभी तू इतना ना सोच, ये इतना सोचा होता तो ये हालत ना होती कि जो हो रही है। अ लिटिल बिट ऑफ अपहिल टास्क फॉर अस एट द मोमेंट। तो बहुत दिमागी तनाव में है बेचारा, कोई इसको कोई कोई कस्तूरी बना के खिलाए। भाईजान, उसको कहना चाहिए था ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क फॉर अस, वी आर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट ईयर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अगले मैच। हाँ, तो बहुत जी दिमाग पे उस पे असर पड़ा हुआ है, बड़ा प्रेशर है, कभी तो लगता है भेजा ही फट जाएगा, कुछ ऐसी वैसी बातें। यार भेजा ना लेकिन भगवान। नहीं, उसने बोला समटाइम्स इट फील्स लाइक माइंड इज गोइंग टू एक्सप्लोड। तो ऐसी फीलिंग आती है उसे कि भाई अब मैं क्या करूं, नथिंग इज वर्किंग, बस तू अगले साल ऐसा करना कोई अच्छे से कोई बॉलिंग तू कॉम्बिनेशन। भाई अब तू मेहरबानी कर, तो वो हालांकि वो भी बच्चे ही लेके आए हैं ना, कॉन्फिडेंस देते हैं उसको। उसने आके कोहली का विकेट निकाल दिया, एक और रजत पाटीदार का विकेट भी निकाल दिया। वो तो उनके तो स्पिनर, वो तो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, वो तो खिला रहे हैं। तुम में जो अच्छा था वो, उसको भी एक आधे को मार पड़ी नहीं साइड पे इसका चला जो गया। तो हेड की जगह आया ना, तो भाई इम्पैक्ट जन प्लेयर वो खेला तो है ना, बॉलिंग तो की है ना। खेला है, मतलब उन्होंने देखे अपने कार्ड्स बड़े टैक्टिकली हाँ, यूज किए, या अनुज रावत को ले आए। नहीं ये बॉलिंग में कुछ करे ना भाई, मारखंडे 2 आउट करके 46 रन दे के, जहां पे 290 टीम ने डाला हुआ, तो और क्या चाहिए। तो ये बॉलिंग में कोई करें जनाब, भेजा वहां पे लगाए। क्लासन कह रहा है इट वाज अनबिलीवेबल, स्पेशल नॉक फ्रॉम हेड टू पुट द प्रेशर ऑन द बॉलर्स। इट वाज, आई वाज वेटिंग फॉर द बैड बॉल्स एंड ट्राई टू गो आफ्टर द बॉल आफ्टर ही गॉट आउट। आई एम नॉट डूइंग अ लॉट ऑन ऑफ डेज एट द मोमेंट, जस्ट ट्राइंग टू फोकस ऑन स्टैंडिंग स्टिल एंड फाइन ट्यूनिंग सम थिंग्स। वो अच्छा, बिल बकी पसंद आई डीके की, कहते हुए जुबान में कोई लुकनत आ गई, बता तो अपनी टीम की बात करेगा ना भाई। वी आर क्या प्री था। व्हाट लकी, वाज वी न्यू। फंटास्टिक नॉट बाय डीके एज वेल, इट गिव्स अस समथिंग टू थिंक वो अबाउट तो उसके कैप्टन डिफरेंट। ने बोला है ना, उसके कैप्टन ने कि वी वेंट डाउन फाइटिंग और दिस ऐसा वैसा, वो तो उसके कप्तान ने बोला। वी हैव बीन लकी, वी न्यू इट वाज अ गुड विकेट एंड जस्ट हैड टू बॉल 5 गुड ओवर्स, कपल ऑफ ओवर बॉलर्स कैप्ट देयर को। हाँ कह रहा जी, सिर्फ 5 अच्छे हमने ओवर निकालने थे और हमें पता था, बस फिर कहानी खत्म। तो 5 अच्छे ओवर इन्होंने निकालने थे, लेकिन बड़ी कोशिश की बनेश्वर कुमार और उनदकट ने कि आपके जो 6 ओवरों में जो 100 रन दिया है, तो आप वो 5 ओवर अच्छे करा के भी आपको चैन ना मिले। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, वैसे कामयाब नहीं वो हो पाए उसमें, बट दे ट्राइड देयर बेस्ट। 4 में 60 और 2 में 37। हाँ, इंडिया में ऑलराउंडर का डेफिनेशन गलत है। मैनेजमेंट के हिसाब से ऑलराउंडर इज समवन जो बॉलर हो उसको बैटिंग आती हो, जबकि इसकी उल्ट होना चाहिए। अच्छा तो जी, बैट्समैन है उसको बॉलिंग आनी चाहिए। देखिए बैट्समैन कभी अपनी बॉलिंग को सीरियस नहीं लेगा, ये याद रखे। जो बॉलर होता है वो अपनी बैटिंग को बड़ा सीरियस लेता है, ये तारीख गवाह है।
आप चेक कर ले, ये रोहित शर्मा एज ए बॉलर आया, अजहर अली एज ए बॉलर आया, इमरान खान एज ए बॉलर, जितने आप देखेंगे बड़े बड़े नाम वो आपको पहले बॉलर ही नजर आएंगे, बाद में उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की और बैट्समैन बने। देखो यार, अब हर टीम में तो ऐसे आइडियल ऑलराउंडर नहीं है। आइडियल ऑलराउंडर की डेफिनेशन तो ये है कि वो जब बैटिंग करे तो बैट्समैन लगे, जब बॉलिंग करे तो बॉलर लगे, आपको मतलब फर्क इतना महसूस ना हो कि हाँ भाई बॉलिंग कर रहा है तो आपको भरोसा उतना ही हो जितना आप उस पे किसी स्पेशलिस्ट बॉलर पे कर सकते हैं, और जब बैटिंग करने आए तो तब भी आपको उस पे उतना ही भरोसा हो कि हाँ भाई जिस तरह दूसरे बैट्समैन है वैसे ही उतना ही सलाहियत इसी में है। सबसे हमने तो पुराने वाले नहीं देखे, लेकिन जो हमारे इरा में खेल के रिटायर हो गया सबसे सुप्रीम ऑलराउंडर जैक कैलिस साउथ अफ्रीका वाला, तो वैसा ऑलराउंडर की डेफिनेशन पे वो पूरा पता नहीं जैसे ही कोई ऑलराउंडर की बात करता है उसकी फोटो मेरे सामने आ जाती है। ही इज अ डेफिनेशन ऑफ एन ऑलराउंडर, बॉलिंग बैटिंग टू गुड, फील्डिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और फील्डिंग भी अच्छी, फील्डिंग भी बीच में ऐड हो जाए तो ऐसा अब ये है कि ऐसे जो प्लेयर हैं वो कहीं आफ्टर डेकेड्स किसी टीम को नसीब होते हैं, तो अब हर टीम में तो होते नहीं इस तरह के। हमारा पे वो अच्छा ऑलराउंडर था अब्दुल रजाक, कितने साल हो गए हमें दोबारा कोई मिलता ही नहीं, तकरीबन 8-9 साल हो गए गए हुए, बल 10 साल हो गए शायद। हाँ उसने छुट्टी करा दी थी वकार यूनस ने 2012 में T20 वर्ल्ड कप में, तो कितने साल हो गए, 10-12 साल हो गए, एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिला हमें, कोई भी नहीं मिला। तो आप चाह रहे हैं कि इंडिया में जो डेफिनेशन ये है कि बॉलर हो जो थोड़ी सी बैटिंग कर सके, तो वो ये देखें इट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द टीम कि टीम को क्या जरूरत है, तो फिर वो डेफिनेशन भी उसी तरह तब्दील हो जाती है। अगर टीम को आपकी जरूरत है कि जी अच्छा बैटिंग काफी है, हमें बॉलर तगड़ा मिलना चाहिए, अगर बेशक बैटिंग थोड़ी कम करे तो फिर इंटेंशन वो हो जाएगी, लेकिन अगर बैटिंग आप समझते हैं कि जी थोड़ी सी हमें मजीद स्ट्रेंथन करनी है, टेक्निकली आप इंडिया का देखा जाए तो जडेजा 7वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा था, अभी आगे जाके पता नहीं क्या होगा, तो 7वें के बाद फिर आपकी बैटिंग कोई नहीं है ना। लेट मी टेल यू, बुमराह आ जाएगा या चहल आए या अगर ये कुलदीप खेले या मोहम्मद सिराज या अर्शदीप वगैरह को डाल लो, तो 4 बॉलर तो वो हो गए, तो जडेजा की पे एंड हो जाती है आपकी बैटिंग, जडेजा पे टेक्निकली आपकी बैटिंग खत्म। हाँ अगर 8-10-12 रन चाहिए तो फिर आप उन पे भरोसा कर सकते हैं, वो जो बाकी वाले हैं उन पे आप इतना भरोसा भी नहीं कर सकते कि अगर मिलके 20-25 रन चाहिए तो वो चारों मिलके उतने भी बना देंगे, बुमराह सिराज कुलदीप चाहल वगैरह, तो चूंकि आपकी वो फिर 4 प्लेयर इस तरह के हैं कि जो बैटिंग में माशाल्लाह एक दूसरे से बढ़ के हैं, तो आपकी फिर टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि यार एक और ऐसा 8वें नंबर पे आ जाए कि जिस पे हम थोड़ा सा भरोसा कर सकें, बेशक कि हमारी बॉलिंग थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो जाए, लेकिन लेकिन ये अच्छी सोच नहीं है और ये कॉस्ट कर सकती है और किया भी है पास्ट में कई बार, थोड़े थोड़े के चक्कर में आप फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। पाकिस्तान से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड डी टीम पाकिस्तान खुश नहीं, बाकी आईपीएल खेल रहे हैं, तो भाई आप इनको पता ही था कि उन्होंने यही टीम भेजनी है, पहले नहीं पता था इन्हें, ये कौन सा उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ये कहा कि नहीं जी हमने ये टीम भेजनी है, वो तो जब भी आ रहे थे आईपीएल उधर वो तो अपना खेलेंगे, उन्होंने तो अपने बच्चे बच्चे भेजने। इस तरह की टीमों के खिलाफ खेलने का कोई फायदा नहीं होता, अगर आप जीत जाए तो लोग कहते हैं क्या कमाल कर दिया, थर्ड क्लास टीम भेजी है उन्होंने जीत गया तो क्या बात हो गई, हाँ अगर हार जाए तो बेइज्जती 100 गुना ज्यादा होती है कि बिल्कुल बच्चों की टीम से आप मैच हार गए, ना जीतने का फायदा ना हारने, हारने से भी कोई और हारने के तो आपकी तबाह की बेइज्जती होती है ना। हाँ तो इस तरह की टीमों के खेलने का कोई फायदा नहीं, या तो आप भी अपने सारे बच्चे ही उतार दो। थैंक यू जनाब अमित कुमार साहब, प्रणाम जीते रहे।
PCB is going backward and spoiling the talent of domestic performers. Pakistan win or lose World Cup, but bringing retired players back does not help. Acha ji. In building up a team, this shows the Pakistan not having talent. And Trisha Jain. Nahi khair, aise wapas nahi aaye ke jo kaale engine ke zamane wale the. Imad Wasim acha khel sakta hai. Imad Wasim, usne अभी जो रिटायरमेंट ली थी वो पीसीबी की जो फजूल पॉलिसीज हैं उसकी वजह से ली थी. अब प्लेयर खेल रहा है जी सीपीएल खेल रहा है या ये यूएई की लीग खेल रहा है, ये पीछे से बुला लेते हैं, आ जाओ जी हमने अपना ट्रेनिंग कैंप लगाया हुआ है तो आप इधर आके अपनी हाजिरी दें, सिर्फ मेंटली प्लेयर्स को तंग करने के लिए. भाई उधर वो तुम्हारे कैंप से तो अच्छा है, वो एक कंपेटिटिव लीग खेल रहा है, कॉमन सेंस की बात है, पैसे भी कमा रहा है और कंपेटिटिव लीग खेल रहा है, तो उधर ज्यादा सीखेगा या तुम्हारा थर्ड क्लास कैंप में आके सीखेगा? सिर्फ प्लेयर को मेंटली टॉर्चर करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं. प्लेयर कहते हैं जी ठीक है, लानत भेजते हैं हम आप पे और आपके कैंप पे, हम रिटायर हो रहे हैं. वो मजे से लीग सी खेलते हैं. अब इमाद वसीम ही नोज के भाई वो 50 ओवर की क्रिकेट वो खेल नहीं रहा, बरसा हो गया, खत्म होगी कहानी. टेस्ट वो खेल रहा नहीं है, T20 की उसकी क्रिकेट बाकी है. अब जितने 3-4 साल हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेल के पैसे कमाना चाहता है, जो कि हर बंदे का राइट है. ठीक है, आपकी जब नेशनल टीम आपको T20 में सिलेक्ट नहीं कर रही तो आप फिर लीग तो खेलनी है कि नहीं खेलनी? तो ये उसको तंग कर रहे थे इस तरह कि जी एक लीग की इजाजत मिलेगी, दो की मिलेगी. टेक्निकली जो आपका सिर्फ T20 क्रिकेट खेलता है, जब आपका नेशनल टीम का मैच है तो वो आ जाए, बाकी आप उसको बोले भाई तू खेलता रह लीग जहां पे तू खेलना है, क्योंकि तू खेलता ही T20 है, तो जब हमारा मैच ही नहीं हो रहा तो हमने तुम्हें बुला के क्या करना है, तुम जाओ खेलो. तो ये प्लेयर्स को तंग करते हैं, इसलिए प्लेयर्स इस तरह रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं. आमिर का मामला दूसरा है, खैर उस पर हमने बात की है. बॉलिंग तो वो जिस तरह ये अभी पिट रहे हैं आजकल, ये शाहीन और राउफ वगैरह, तो इनसे तो वो बेहतर बॉलिंग कर रहा है. वो दूसरा वाला मसला था हमारा, एक पॉइंट है कि जिसने वतन फरोशी की हो उसको कभी दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए. आई थिंक कोहली नू बाकी मैचेस नहीं खेलने चाहिए, कोई फायदा अभी नहीं, रेस्ट ले ते वर्ल्ड कप दी तैयारी करे. डीके व्हाट अ सीजन फॉर हिम, बिग बिग फैन ऑफ यू अमन जठा साहब, बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया टाटा. नहीं मैच ते वो खेडेगा बाकी भी, क्योंकि असि आज तक किसी प्लेयर नू वेख्या नहीं कि वो IPL दे मैच छड़ दे. बेशक वो टीम खुडे लैन भी लग जाए, बेशक वड़ जाए टीम खड्डे च, तो फिर भी मैच सारे खेडते ने. ते आज तक तो असी वेख्या नहीं के काम होएगा, ते हुण भी नहीं होण लगा. इंडिया 2011 वर्ल्ड कप क्यों जीता? बॉलिंग अटैक एक्सेप्ट जहीर खान ऑर्डिनरी ही था, पर इंडिया के पास बैटर्स थे जो बॉलिंग करते थे इसलिए जीत गए. अब नहीं है युवराज सहवाग, अपना क्या नाम है तेंदुलकर, ये बहुत बड़े बॉलर थे, बहुत बड़े बॉलर थे, मैच विनर थे अपनी बॉलिंग से. पांजा लगाना को मजाक होता था. इवन गंगुली 5 विकेट है, सारा कप 97 में जो हुआ था वो पाकिस्तान के खिलाफ ले गया था. तो भाईजान ये तो प्रीतम साहब पुराना मसला है, ये तो हमने कई बार इस पे पॉइंट उठाया है कि भाई ये बार बार हो रहा है, अक्सर ये हो रहा है. तो ये जो बात है इसको ठीक करें, बेहतर करें, लेकिन खैर अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई काम नहीं किया. आपके बॉलर्स जो हैं वही बॉलिंग करते हैं, आपके बैट्समैन कोई बॉलिंग नहीं करते. तो ठीक है दोस्तों, फिर अभी इजाजत चाहेंगे आपसे. अच्छा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला है, और RCB they went down, but they went down fighting, but hats off to Travis Head the way he played. Khyal rakhiye apna, milenge kal, take care, bye bye, like and subscribe.